वाह 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 सलीम, वाह वाह वाह, आखिर खोटा सिक्का ही काम आया। तुमने जो मुसीबत खड़ी की है ना इस रियासत के ऊपर, उसकी वजह से रानी साहिबा खुद बखुद हार मान लेंगी और हम जीत जाएंगे और इन घर के कामों से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वाह जहां बनो बात करनी आपसे। रानी साहिबा, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती। क्या आपको पता चल गया? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम रानी साहिबा, हमें पता है। अब यही कहना चाहती है कि ये रियासत के काम आपसे संभाले नहीं जा रहे, लेकिन हमें खुशी है कि अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप हार मान रही है, और साथ ही में आप आज इतनी दुखी हैं कि आप हमारे साथ नाटक देखने नहीं जा सकती। नहीं 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 जहाँ पना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस ये कहने आए थे कि आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए, चलिए नाटक के लिए देर हो रही है। क्या ये कैसी रानी साहिबा है आप? आपकी रियासत पे जंग के बादल मंडरा रहे हैं और आपको नाटक देखने की पड़ी है? अरे वो मटका मल आता ही होगा, आता ही होगा वो। बस 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 शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और आपकी रियासत पे कोई जंग के बादल नहीं मंडरा रहे। मटका मल को हमने समझा दिया है। समझा दिया? कैसे? खून की नदियां बहा दूंगा मैं, पूरे मुगलिया खानदान को खोद के रख दूंगा, रोत के रख दूंगा मैं। भाई साहब देखिए, भाई साहब आप गुस्सा कम कीजिए, आप इतना हिल रहे हैं। अरे गुस्सा तो कम कर दे, मगर हिलना कम नहीं कर सकते हम। क्यों? अरे ये खिड़की जो खोल रखी है और हवा इतनी जोरों से आ रही है। अब बस बस अब मटका भाई साहब सीधे खड़े रहिए, खिड़की बंद हो जाएगी। हाँ, आपके बेटे ने हमला किया है हमारे किले पर और आपको पता नहीं कि वो आपका मायका है। अपमान किया है आपने हमारा। आपने बुलाया तो हम मिलने चले आए, मगर अब जंग हो के रहेगी। भाई साहब देखिए, जैसा आप समझ रहे ना वैसा कुछ भी नहीं है। अरे हम सब समझ रहे हैं कैसा नहीं है। माना कि हवा लगने से हमारा शरीर हिलता है, मगर हमारा दिमाग नहीं हिला हुआ है। हमें सब पता है कि सब आपका किया धरा है। महाराजा मटकामल जी, आपको ये तो पता चल गया कि ये हमला महारानी साहिबा ने करवाया, लेकिन आपको क्या ये पता है कि रानी साहिबा ने ऐसे क्यों किया? क्यों? मैं बताता हूं। वो क्या है कि रानी साहिबा के बेटे और आपके प्रिय भांजे शहजादे सलीम को ऐसा लगता है कि उनकी सल्तनत के सामने कोई राजा खड़ा ही नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि जब भी वो जंग लड़ने जाते हैं तो सामने वाला राजा बिना जंग किए ही हथियार डाल देता है। तो इस बात पे रानी साहिबा को बहुत गुस्सा आया। कब आया? आया आया आया। और रानी साहिबा गुस्से में खड़ी हो गई। हुई 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 खड़ी हुई खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि अभी हमारे भाई साहब महाराजा मटकामल जिंदा है, जो सर कटा सकते हैं लेकिन किसी के भी सामने सर झुका नहीं सकते। कब? हाँ हाँ कटा नहीं सकते, झुका नहीं सकते। हाँ झुका नहीं सकते। और हुआ भी ऐसे, जब शहजादे सलीम ने आप पर हमला किया तो आप डट कर खड़े रहे। धन्य है महारानी साहिबा आप, और धन्य है आपके मटकामल भाई साहब। सच? ऐसा क्या? हाँ हाँ हमें आपकी वीरता पर पूरा भरोसा था। अरे हम भी कितने बड़े बुद्धू थे जो आपकी नियत पे शक किया। हमें माफ कर दो बहना। कोई बात नहीं भाई साहब। क्या हुआ? रानी साहब आपके सांस से जो हवा निकली उससे आपके मटके भाई साहब की हवा निकल गई। ओहो ओहो हो हो हो, यानी के ये यानी के ये मुश्किल बीरबल की वजह से टली है, आपकी वजह से नहीं रानी साहिबा। हाँ तो उसमें क्या है, बीरबल हमारे मंत्री है, उनका फर्ज बनता है हमारी मदद करना। वैसे जब बीरबल आपके मंत्री थे तो आपकी भी तो मदद करते थे, और आप ही तो कहते हो हर मुश्किल का हल बीरबल। अकबर बीरबल, हम कहते हैं हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल। सिर्फ बीरबल नहीं, हाँ, अकबर भी होते हैं साथ में, सिर्फ बीरबल। बधाई हो रानी साहिबा, बधाई हो। क्या हुआ बीरबल? रानी साहिबा प्रजा आपके काम से बहुत खुश, और प्रजा के लोग चाहते हैं कि आगे से
आप ही राज्य संभाले। सच? हाँ, जब से आपने राज्य संभाला है प्रजा के महिलाओं में एक अजीब जोश, एक अलग किस्म का हौसला आ गया। हमारी महिलाएं घरों से बाहर निकलकर काम करने लगी। वाह वाह, सुना सलीम के अब्बू, अब आज के बाद ना आप घर संभालिए, हम रियासत संभालेंगे। चलिए चलिए, नाटक के लिए देर हो रही है। अरे बाहर में गया नाटक, हम हार मानते हैं, हमसे नहीं हो रहा है ये। देखा जा पना, अब समझ में आ गया आपको, हम मर्दों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही काम करते हैं, हम अपने घरों से बाहर निकलकर रोजगार कमाते हैं, पर हमारी बीवियां घर में कुछ करती ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि एक राज्य को संभालने से ज्यादा मुश्किल है अपने घर को संभालना। बीरबल, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, और रानी साहिबा आपको और आपकी काबिलियत को आज हम बखूबी जान गए। जहां पर ना हम भी जान गए कि आप दीवाने खास में सिर्फ गप्पे नहीं हाँकते हो, आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम वादा करते हैं कि आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे, बेवजह बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और हम भी वादा करते हैं कि हम आपके किसी भी काम को छोटा नहीं समझेंगे। और बीरबल, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात जो हम दोनों इतने सालों से समझ नहीं पाए, वो बात तुमने हमें दो दिन में समझा दी। वाह वाह बीरबल वाह। वैसे बीरबल, अगर तुम औरतों को इतनी अच्छी तरह समझते हो, उन्हें इतनी अच्छी तरह जानते हो, तो तुम खुद भी निकाह क्यों नहीं कर लेते? अब जापना, निकाह करने के लिए एक लड़की का होना भी जरूरी है, नहीं? अरे तो हमारे रियासत में इतनी सारी लड़कियां हैं। है? ये भी कोई लड़कियां हैं? अरे लड़कियां तो हमारे यहाँ है। वैसे बीरबल, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, हमारे भाई साहब है ना मटकामल, उनकी बहन फूल गोभी। नहीं 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 नहीं, आप रहने दीजिए, आप नहीं जा पाएंगे आप। मैं हम उनसे कह देते हैं, किससे? सॉरी मन, उनसे किससे? बर्तन साफ सफाई करके। क्या? ओ हो 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 हो, यानी कि ये मुंह। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहले आप हमें पकड़ के तो दिखाइए मम। मम्मी जान, रियासत संभालेंगे। चलिए चलिए, नाटक के लिए लेट हो रहा है। अरे लेट्स गो मैन, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो।